नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करती हो, फूलों पर जाकर बैठती हो, रस इकट्ठा करती हो, मधु तैयार करती हो, कितना वक्त लगता है, परिश्रम लगता है और आदमी आता है एक झट से छुरा के ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने बहुत प्यारी सी बात कही। उसने कहा कि कोई मेरा मधु चुरा सकता है, लेकिन मधु बनाने की कला और काबिलियत नहीं चुरा सकता। सचमुच हमारी काबिलियत हमें आगे से आगे बढ़ाती है। कोई हमारे द्वारा निर्मित चीज़ों को तो चुरा सकता है, छीन सकता है, लेकिन हमारी योग्यता, हमारी कला हमें शिखर पर अवश्य ले जाती है, हमें सफल बनाती है। इसीलिए हमें ध्यान हमेशा इस बात का रखना चाहिए कि हम अपने आप को काबिल बनाते चलें, योग्य बनाते चलें, बाकी सफलता हमारे आगे पीछे घूमती ही रहेगी। इसी पर आधारित है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। नमस्कार। जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो हम पुण्य आत्मा बने। जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य आत्मा यानी पुण्य कर्म करना बहुत आवश्यक है। और ये पुण्य कर्म ही हैं जो कि ब्लेसिंग बैंक की तरह काम करते हैं। हमारे जीवन के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरे ब्लेसिंग्स दें, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमात्मा से हमें ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले। और उसे प्राप्त करने का सहज साधन है कि हम अपने जीवन के अंदर पुण्य कर्म करें। और पुण्य कर्म तब सहज हो सकेंगे जब हम पुण्य सोच रखते हैं, पुण्य शब्द बोलते हैं और पुण्य कर्म की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए लोग तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बहुत सी मेहनत भी करते हैं, और कभी कभी इतना नहीं हो पाता है, लेकिन आशीर्वाद ब्लेसिंग्स बैंक ऐसे हैं जो कि विकट परिस्थितियों में, बहुत मुश्किल और जटिल परिस्थितियों में भी हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह बन जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा देते हैं। तो आइए आज से हम अपना ब्लेसिंग बैंक जो है उसे बढ़ाते चले जाएं, और उसका सहज साधन है पुण्य कर्म। हम जितना पुण्य कर्म करेंगे हमारा ब्लेसिंग बैंक बढ़ता चला जाएगा। ओम शांति। मित्रों, जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसे अपने पूरे शरीर को स्वच्छ रहने की कला सिखाई जाती है। ये कहा जाता है कि तुम्हें साफ सुथरा रहना है, लेकिन खास करके दांतों की सफाई विशेष करके सिखाई जाती है कि तुम्हें अपने दांतों को साफ ज़रूर रखना है। हम जानते हैं दांतों का दर्द बहुत ही असहनीय होता है यदि हम उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं। तो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग, यदि दांत ना हो तो देखने में भी सुंदर नहीं लगते, और फिर कोई चीज़ हम खा भी तो नहीं सकते, है ना। तो आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ हों, मजबूत हों और आजीवन आपके साथ बने रहें, इसी कामना के साथ आज डॉक्टर राजवीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपकी सेहत आपके हाथ में दांतों की बात कर रहे हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी बहुत स्वस्थ हैं। कुछ दांतों के टिप्स जो दांतों का केयर के लिए मैं आपको देना चाहूँगी, वो आजकल के समय में जैसे कि हमारा समय बहुत फास्ट चलता है तो हमारी खाने की हैबिट्स कुछ ऐसी हो गई हैं जिनके कारण हमारे दांत बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके ख़राब होने का सबसे बेसिक कारण होता है कि उनमें खाना फंसता है।
और हम कुछ रास्ते में एकदम फुल स्पीड में हैं, टाइम हमारे पास कम है, हम जंक फूड्स खा लेते हैं, कुछ स्टिकी ऐसा खा लेते हैं जो दांतों के बीच चिपचिपा हुआ वहीं फंस के रह जाता है। और हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद तुरंत हम रिंस करें और हमारे खाने की हैबिट्स कुछ ऐसी हों जिससे मसल एक्टिविटी इधर का बढ़े। जितना मसल एक्टिविटी होएगा ये मसल्स हमारे मजबूत रहेंगे, क्योंकि ये जॉइंट का भी हम साथ में केयर करना है। और कभी भी कुछ भी है दांतों में, जब भी सड़न शुरू हो तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि लोग जब उनको बहुत ज़्यादा अति में पेन बढ़ जाता है तब वो अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि खाना फंसना वो प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, उनको प्रॉब्लम सिर्फ पेन से है, अभी पेन बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए हम जाके डेंटिस्ट को मिलना है। बट पेन शुरू होने से पहले जब भी आपके दांत में सड़न हुआ आप उसी वक्त डेंटिस्ट को मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं और आपको पेन सहन करने की नौबत नहीं आएगी। और हमारे मुंह के अंदर दांत के अलावा सॉफ्ट टिश्यू रहता है, जो पिंक कलर जो भी हमें अपने मुंह के अंदर दिखाई देता है वो, तो हमें दांत के साथ साथ उस पिंक कलर का भी केयर करना है। वो कैसे? दिन में दो बार हमेशा गार्गलिंग हो और हमारा टूथ ब्रशिंग टेक्निक जो है वो ऐसा हो कि हमारा सॉफ्ट टिश्यू भी क्लीन हो पाए, गम्स क्लीन हो पाए, सिर्फ दांतों का सफाई ही नहीं साथ में मसूड़ का भी सफाई हो, ताकि हमारे मसूड़ दांतों के ऊपर पकड़ लंबा टाइम तक बनाए रख सके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। फिर भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें और हर 6 महीने में एक बार चेकअप करवाते रहें। ओम शांति। मित्रों, कई बार आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमने यूं ही धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए, हमने इतने बसंत देखे हैं, जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, इसीलिए हम जो कह रहे हैं हमारी बात पर आप अमल ज़रूर करो। सचमुच अनुभव ही तो हैं जो हमें बुराई से अच्छाई की ओर चलने में मदद करते हैं, अपने आप को शिखर की ओर ले चलने में मदद करते हैं, साथ ही साथ सफल होने में भी अनुभव की महती भूमिका होती है। और यही कारण है कि विशिष्ट जन की बातें विशेष में हम ऐसे ही अनुभवियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अनुभव किया है कि जीवन में सचमुच अध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री हरिभाव बागड़े जी, जो कि भूतपूर्व महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अपन तो भौतिक प्रगति अपनी है जी। लेकिन नैतिक प्रगति ये जो पहले थी अपने पास जी। वो अभी समाज बढ़ने के कारण, लोक संख्या बढ़ने के कारण, अलग अलग माध्यम से कारण वो कम हो रहे ऐसा अपने को लगता है। जैसा हम बोलते थे कि पहले कि एक आदमी ने एक आदमी को खेती बेच दी और दूसरे आदमी ने उसको नांगर पकड़ा तो उस पर एक हंडा निकला, वो बोला भाई उनसे खेती खरीदी ली लेकिन हंडा नहीं खरीदी किया, तो वो वापिस उसके घर में लेके गया और बोला ये एक मोहरे का हंडा है, ये मैं तो खरीदी नहीं किया, आपको आपका है आप लो, सब मैं आपको बेचा है वो मेरा नहीं। ये जो मानसिकता थी पहले ये आज तो वो मानसिकता नहीं रही। तो पहले तो इतने पुलिस नहीं थे, अभी ज्यादा पुलिस भी लगकर भी गुनेगारी से परावर्तित करना आदमी को यही एक बड़ा काम है। और वो काम अध्यात्म से होता है, कई संस्था से होता है, उसका मन जुड़ाने से होता है कि जो अच्छा काम कर बुरा काम मत कर, ये जो बताते हैं तो ऐसी धार्मिक संस्था ही बता सकती हैं कि बुरे मार्ग से मत जाओ, सीधे मार्ग से अच्छे मार्ग से जाओ। तो हमारे कथा कीर्तनकार भी हमेशा बोलते हैं, लेकिन अभी उतना जो प्रभाव होना चाहिए, जितने लोग सुधारना चाहिए, अभी व्यसन मुक्ति के लिए भी बोलते रहते हैं लेकिन सब सरकार भी प्रयत्न करती है लेकिन व्यसनाधीन लोग ज्यादा ही बन रहे, तो उसको परिवर्तित करने का काम जो है वो करना चाहिए। और वो अनेक संस्था करती है, सरकार भी करती है, लेकिन चाहे उतना उसमें अभी फर्क गिरता है।
मित्रों, पक्षी कभी भी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं देते, बल्कि उन्हें घोंसला बनाने की कला सिखाते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी हमें भाग्य बनाकर हमारे हाथ में नहीं दे देते, लेकिन भाग्य बनाने की कला सिखाते हैं। हम कैसे कर्म करें, कैसा हमारा जीवन हो जो हमारा भाग्य, हमारा भविष्य श्रेष्ठ बने, ये कला परमात्मा हमें सिखाते हैं। अब वो स्वयं आकर के हमारे सामने तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन हाँ, ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं ईश्वरीय शिक्षाएं हैं, जिन्हें अपने जीवन में लाकर हम अपने भविष्य को, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और यही सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन तक पहुँचा रही हैं, जिसे हम देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। आइए देखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम द्वारा बेटियों के सशक्तिकरण के लिए सुसंस्कारों की धरोहर भारत की बेटियां नामक अभियान की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डॉक्टर महेंद्र मुंजा पारा पधारे, साथ ही भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जॉइंट डायरेक्टर पारुल श्रीवास्तव, AIWC की प्रेसिडेंट श्रीमती शीला काकरे, वरिष्ठ राजयोगिनी बी के चक्रधारी दीदी, ORC की निदेशिका बी के आशा दीदी मंचासीन हुए। साथ ही बिग बॉस 13 से मशहूर हुई पंजाबी टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री शहनाज गिल अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उपस्थित हुई। सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया और अपने अपने विचार प्रकट किए। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज ए ट्रेडिशन वेयर सो मेनी फीमेल गॉडेसेस आर वर्शिप्ड। आपको मैं ये आश्वासन देना चाहूंगी, आपका मंत्रालय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सहयोग से बहुत बहुत कार्य कर सकता है। सहयोग लेना अब आपका काम है, हम बहने तैयार। शहनाज गिल ने जीवन में अध्यात्म के महत्व को बताते हुए कहा कि तुम्हें दुखों के साथ डील करने के लिए बाबा शक्ति देते हैं। अपने को अच्छा बनाना है तो तुम्हें स्पिरिचुअल जर्नी जरूर ऐड करनी है, बहुत जरूरी है। बात करते करते हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। रोज ही आपका साथ सचमुच बहुत सुकून भरा होता है। रोज ही कुछ सुंदर सुंदर बातों की लेन देन हम करते हैं और मुझे विश्वास है कि इन बातों पर आप अमल भी जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि सुंदर बातें केवल सुनने तक ही सीमित ना हो तो अच्छी हैं। ये तो जीवन में आ जाए ताकि औरों को भी सुंदर प्रेरणा प्राप्त हो। जैसे हमने काबिलियत से शुरुआत की थी मित्रों, हम अपनी योग्यता को, अपनी काबिलियत को बढ़ाते चले, लेकिन ये भी सत्य है कि जीवन में अनेक बातें और परिस्थितियां आती रहती हैं। उन परिस्थितियों में यदि हम ईश्वर को साथ रखते हैं, अपने सामने रखते हैं, ये अनुभव रखते हैं कि उनका साथ, उनका हाथ मेरे सिर पर है, तो सचमुच बातें दूर होती चलती हैं और काबिलियत बढ़ती चलती हैं। ये निश्चय और विश्वास कि उनका साथ हमेशा मेरे साथ है, हमें आगे से आगे ही बढ़ाता है। तो क्यों ना अपने व्यस्त दिनचर्या में भी हम उनका थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करते हुए अपनी काबिलियत को बढ़ाते चलें और सफलता की ओर अग्रसर हों। ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के लिए। नमस्कार, ओम शांति।